हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो ये नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार, और सबसे पहले तो हैप्पी दशहरा, शुभ विजय दशमी है। और दशहरे पे हम अक्सर डालते थे नॉनवेज रेसिपी, और आप कहते रणवीर यार हम तो जो है वो खाते नहीं है दशहरे पे नॉनवेज, आप हर बार नॉनवेज डालते थे। तो इस बार हम दशहरे पे डाल रहे हैं एक वेज रेसिपी, ऐसी रेसिपी जो कि सुबह सुबह आ रही है दशहरे पे, और आप बनाएंगे उसको, आपका दशहरा हो जाएगा और भी मंगलमय। क्यों? क्योंकि छोले हैं एकदम फर्स्ट क्लास, वो छुट्टी हुई हमारे घर में बनते थे, दशहरे की छुट्टी एंजॉय करिएगा साहब। लेकिन उससे पहले देखो जी, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले करना है चना बॉयल, ठीक है। और मैं रेसिपी ऐसी बता रहा हूँ कि अगर आपका मैंने ज़्यादा समय लिया ना दशहरे पे, आप जो है मूछे मुंडवा, नहीं नहीं आप क्यों मुंडवाओगे, मैं मूछे मुंडवा लूँगा, हैं, फटाफट से बनाऊँगा। 12 मिनट के अंदर एडिटर जो है एडिट कर देगा रेसिपी। चलिए 12.5 मिनट के अंदर ये गया प्याज, ठीक है, ये गया टमाटर, ये गई साबुत हल्दी, ये गया कद्दू, ये गई दालचीनी, समझ गया ना। बेसिकली छोले के बाद हमने डाला जिंजर, उसके बाद हमने डाला बे लीफ, उसके बाद हमने डाला साबुत मिर्च, उसके बाद हमने डाला सिनेमन, नमक, पानी, थोड़ी हल्दी और थोड़ी मिर्ची रंग के लिए। घी बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है एकदम, क्योंकि घी नहीं होगा ना तो फिर छोला नरम नहीं होगा। मक्खन नहीं घी, और तेल नहीं घी। उसके बाद साहब क्या करें, पहले छोले मसाला बना लें। कोई भी पंजाबी मसाला बनाना है तो मदर स्पाइस तो हमेशा धनिया ही रहेगा साहब, काली मिर्च, जीरा, लौंग, जावित्री, छोटी इलायची, अजवाइन, सब डाल दीजिए एक साथ, क्योंकि ये बाद में भी भुनेगा ना मसाला, तो यहाँ पर ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी नमी ख़त्म करनी है ना। ये बेड़गी पड़ी है, डाल देता हूँ बाद में। तो वैसे देगी मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं। तो क्या हो गया, छोले अंदर चले गए, छोले का मसाला मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो है हर संडे को रेसिपी बनती थी, या तो कढ़ी बनती थी या ये वाले छोले बनते थे। तो हमारे लिए छुट्टी का मतलब होता था ये वाले छोले, ठीक है। तो मैंने कहा छुट्टी है तो ये वाले छोले जो हैं इनकी कहानी आगे बढ़ाते हैं, और आपको भी एक बढ़िया सी छोले की रेसिपी मिल जाएगी। छोले की जितनी मर्जियाँ रेसिपी हो जाएं कम ही रहती है ना, चीज़ ही ऐसी है छोले भाई गॉड। अभी इसके अंदर डालना है जी अनारदाना, खटास के लिए और रंग के लिए। छोले मसाले में खटास ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो अमचूर डाल लीजिए। नमक क्यों, ताकि पिसाई बराबर से हो जाए, क्योंकि अनारदाना गीला होता है ना तो नमक उसका पानी खींच लेगा। ये आपका छोले मसाला जो है रेडी है, किसी भी पैकेट वाले को फेल कर देगा वो हमारी गारंटी है। पीस आप लाइए बस, गारंटी हमारी, पिसाई आपकी। चार सीटी हो गई ना, और गैस बंद, और साइड में चॉपिंग चालू। छोले में अगर पंजाबी छोले बना रहे हैं तो धनिया के बगैर नहीं बन सकते, और धनिया की डंडी अगर आप डाल देंगे तो चार चांद की बजाय 400 चांद लग जाएंगे, 400 चांद। कटिंग चॉपिंग पहले करके रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। अगर तड़का मार रहे हैं लास्ट मिनट भागना नहीं अपने को, अपनी जिंदगी का एक ही उसूल है कि चूल्हे पर चढ़ो तो तैयारी से, अगर तैयारी नहीं है तो मत चढ़ो।
बेसिकली दो फैमिली आप क्रिएट कर रहे हैं, एक फैमिली जो बाद में जाएगी जिसमें कि है ग्रीन चिली और कोरिएंडर, अरे रेडी हो गया मसाला, थैंक यू वेरी मच, और दूसरी फैमिली है अदरक लहसुन जो पहले जाएगी। दे दीजिए दे दीजिए, चले आइए चले आइए चले आइए चले आइए चले आइए चले आइए। अरे कहाँ आ रहे हैं, रुकिए एक मिनट। नाइस, ये लो जी। कुछ लोग इसी के अंदर मिर्च मिला देते हैं, बोलते हैं एक बार में काम खत्म। कुछ लोग इसके अंदर मिर्च और हल्दी दोनों मिला देते हैं, बोलते हैं एक बार में काम खत्म। वो आपकी मर्जी है। इसके अंदर आप चाहें थोड़ी देगी मिर्च थोड़ी हल्दी डाल के रेडी में शुरू से ही रख सकते हैं। इसको भूनना ज्यादा नहीं है, तो जैसे ही आप इसको बाद में भूनेंगे फ्लेवर अपने आप बाहर आ जाएगा। राइट, ठीक है ना, हो गया ना काम फटाफट, ना कटिंग करनी पड़ी ना चॉपिंग करनी पड़ी। मेन चीज क्या है, कद्दूकस जो है आपका धार वाला होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। बस क्या है ना कि पानी जितना कम छोड़ेगा प्याज उतने आप सूखे रहेंगे, बाद में आपको सारा पानी जो है सुखाना पड़ेगा भूनते समय। तेल, घी, क्या आया भाई, मतलब हो गया बस। पता है दशहरा है, नहीं हुए अभी 12:30 मिनट ना, अभी क्यों। कोई जल्दी नहीं करनी, बाकायदा धीरे धीरे भुनने देना है, ठीक है जी। और प्याज ठोक के, क्यों, क्योंकि आपने जो मेरे को दिए हुए हैं ना वो छोले, वो भी ठोक के। रोज जो है एक आधी चीज मेरे को ऐसी मिलती है, मुझे पता लगा था कि कल का अपना स्टाफ का लंच मेन्यू क्या है। अब जैसे ये क्लियर हो चुका है, कल का स्टाफ का लंच मेन्यू छोले, जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को दिए आज। अब अगर आपने ढंग से कद्दूकस नहीं किया होता ना, तो यहाँ पे बहुत जल्दी पानी छोड़ देता प्याज। प्याज भुनने के बाद हरी मिर्च और धनिया की जड़, अभी हरी मिर्च और धनिया की जड़ के साथ में ही विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना मसाला, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, यही मसाला जाएगा बस। और अगर चाहें तो थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं, बस हल्दी लाल मिर्च में डाल रहा हूँ, आप चाहें तो मसाले में डाल के रख सकते हैं ना। क्या है कि टमाटर की जरूरत है नहीं, लेकिन डालना चाहें तो थोड़ा डाइस टमाटर डाल सकते हैं, और दही की जगह पर फ्रेश टमाटो की प्यूरी डाल सकते हैं, कैंड वाली मत डालिएगा, दही का कच्चापन निकालना है बस, ठीक है जी। और छोले पे वापस आते हैं, छोले को थोड़ा घोट लेते हैं, एटलीस्ट 20-30% छोले को घोटना है, ठीक है। फर्स्ट क्लास गला है देखिए। अब अगर आप मेरी बात माने तो सिर्फ इसमें से खड़े मसाले निकालिए और ये लाल मिर्च बिल्कुल मत निकालिए। बीस % छोले को मैश कर लीजिए, उससे बाद में ग्रेवी को गाढ़ा करना है हमने। दही का कच्चापन गया और गैस स्लो करके कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट पकने देना है छोले को। आपको जो करना है करिए, लास्ट में जब हम हटाएंगे तो उसके अंदर ये थोड़ा
कच्चा टमाटर डाल दें। कच्चे टमाटर से क्या होगा, खटास आ जाएगी थोड़ी सी और फ्रेश खटास आ जाएगी, और साथ में डालेंगे धनिया। ठीक है, कम से कम 10 से 15 मिनट इसको पकने दीजिए, तब तक आपको जो बाकी तैयारियां करनी है दशहरे की, फेस्टिवल की, जो आपको तैयारियां करनी है कर लीजिए, मैं अपना किचन साफ कर लेता हूं। तक अब इमेजिन करिए भाई, दशहरा हो, छोले हो, पूड़ी हो, मतलब वक्त भी है, माहौल भी, और क्या चाहिए। ये जो है 12.5 मिनट वाले उसमें नहीं आता हिसाब किताब में, बता रहे पहले, नहीं तो काट दीजिएगा भाई, नोट टू एडिटर ये सब काट दो, वीडियो 12:30 के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए। हाँ हैप्पी दशहरा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।